हेलो, वेलकम यू ऑल। आज है 29 मई और आप सभी के लाया फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया में आफ्टर गूगल डील हमारे को इसमें 34% का जंप देखने को मिला। लगातार अपर सर्किट देखने को मिले, पर सेकंड हाफ सेशन में हमारे को इसमें फिर से गिरावट देखने को मिली, जहां इसमें कुल तेज़ी मात्र 12% की ही आज देखने को मिली। क्यों इवनिंग सेशन में हमारे को डाउन आता हुआ दिखा, तो इसके लिए मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन का शेयर करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा जो इसमें हमारे जैसे रिटेल निवेशक है, इनको डेफिनेटली ये न्यूज़ डेफिनेटली पता होनी चाहिए। पर मैं उससे पहले चाहूँगा आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मिलता है मुझे मोटिवेशन आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लाने के लिए। साथ ही साथ में आप कमेंट सेक्शंस में अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं इसकी न्यूज पे कि क्यों इसमें डाउनफॉल इवनिंग सेशन में हमारे को देखने को मिला। तो आज फ्राइडे के दिन वोडाफोन आइडिया की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया है कि अभी तक इनको कोई ऐसा प्रपोजल नहीं मिला है। करंटली अगर बात किया जाए कि ये स्टॉक्स बेचेंगे और जो गूगल इंटरेस्ट दिखा रहा है इस टेलीकॉम सेक्टर में इन वोडाफोन आइडिया, तो अभी तक इनके पास ऐसा कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं आया है। प्रपोजल अभी तक गूगल्स की तरफ नहीं आया, क्योंकि गूगल अभी भी अर्ली स्टेजेस में बात चली हुई है इसकी। अभी गूगल आपस में ही डील कर रहा है। तो वहीं इन्होंने ये भी ऐड किया है कि टेलीकॉम में ऐसी अपॉर्चुनिटी ये लगातार ढूंढ रहे हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर गूगल की तरफ से आया है तो इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। मतलब हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया बारे अब खुद ये जो न्यूज़ मार्केट में है कि गूगल के साथ बात चलाएं कि आप इंटरेस्टेड हो हमारे स्टॉक खरीदने में, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटी ये कहीं ना कहीं बेटर लग रही है। इसी वजह से हमारे को शेप डाउन होता हुआ दिखा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी गूगल की तरफ से। पर कहीं ना कहीं एक और पॉजिटिव बात सामने भी है कि गूगल खुद भी एक्सप्लोर करेगा, मतलब गूगल के साथ बात करेगा कि आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक खरीदने में, कि मतलब कि इस बारे में बात चलेगा या वैल्यूज़ बारे जो भी इनके कॉन्सेप्ट होंगे कि कितने भाव में खरीदोगे, कि बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें इंटरनल। इतना अभी हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया गया कितना इन्फ्यूज होगा मनी, कितना स्टॉक खरीदेंगे, क्या भाव में खरीदेंगे। तो ये बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके बाद वोडाफोन इसमें एग्री करेगा और गूगल भी उनकी ही टर्म एंड कंडीशंस के बाद इसमें एग्री करेगा, जिसके बाद हमारे को डाउनफॉल हमारे को देखने को मिला। क्योंकि अभी अगर करंटली बात की जाए, ये प्रपोजल सिर्फ मीडियाज़ में देखने को मिल रहा था, और अभी अगर कुछ भी ऐसा होगा कि अगर ये प्रपोजल आएगा गूगल की तरफ से, तो ये डेफिनेटली स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म करेंगे अभी नोटिस देके। तो वहीं आगे अगर बात करें, इनको ये क्लेरिफाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि ईटी में एक आर्टिकल आया था जिसमें फाइनेंशियल टाइम ने ये बताया था कि गूगल एक्सप्लोर कर रहा है लगभग 5% स्टॉक बाइंग करना चाहता है वोडाफोन आइडिया में, और उसी की वजह से इनको ये क्लेरिफिकेशन एक्सचेंज में देनी पड़ी। क्योंकि हर कंपनी को अगर कुछ भी ऐसी बातें सामने निकल के आती, तो उनको एक्सचेंज में डेफिनेटली ऑन टाइम में क्लेरिफिकेशन देने होते हैं हर बात के। और उसी की वजह से आज हमारे को इसमें लगभग 34% जंप का देखने को मिला। और जो हम टारगेट्स कल हमने बात की थी लगभग 7 रुपीज़, हमने तो 20 पैसे तक की बात की थी, 20 to 25, ये 7 रुपीज़ 85 पैसे तक पहुंचता हुआ हमारे को दिखा। और उसी के बात करें, जब एक क्लेरिफिकेशन दी बीएससी में, उसके बाद हमारे को इस स्टॉक में डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। बट वहीं अगर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की बात करें कि ये ऐसी एवलेट करना चाहेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कि ये इंक्रीज़ करें अपने शेयर होल्डर्स, और ऐसे ऐसी इनको डील्स लगातार मिलती रहे, और जब भी ऐसी कोई डील्स मिलेगी तो डेफिनेटली ये ऑपरेटर अपने बीएससी में डेफिनेटली इसको लिस्ट करेगा कि हम इतना बेच रहे हैं और इस भाव में इतने खरीदे जाएंगे, तो डेफिनेटली ये एक्सचेंज में बताएगा तो ही इस डील को पूरा माना जाएगा। तो इन्होंने एडिड ये कहा है। तो दोस्तों, उसी की वजह से आज हमारे को इसमें जंप देखने को मिला। अगर एंड में हम बात करें तो 6 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ, लगभग 80 पैसे अप, लगभग आप देखोगे 14% तक की हमारे को इसमें तेज़ी देखने को मिली। फिर भी अगर आप देखोगे ना, तो जब ये न्यूज़ आई थी लगभग 2:15 के आसपास आई थी, तो उसके बाद इसमें हमारे को डिप देखने को मिला था। फिर भी आज हम इसमें देखे डिलीवरीज, जहां शेयर इसमें लगभग अगर आप बात करें तो इतने ज़्यादा ट्रेड हुए हैं कि उसमें से भी 25% इसमें हमारे को डिलीवरीज होते हुए दिख रही है, क्योंकि एक गुड अमाउंट डिलीवरी
डिलीवरीज है। अगर डिलीवरीज का अमाउंट भी देखेंगे तो 55,67,569,555 शेयर डिलीवर्स हुए हैं, इतने ज़्यादा शेयर। एक तो इसमें वॉल्यूम्स ही इतना ज़्यादा आज हमारे को देखने को मिला है कि 2,82,16,23,23,069 शेयर्स में टोटल ट्रेड हुए थे, तो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम अब आज हमारे को देखने को मिला। और क्वांटिटीज़ देखें डिलीवर बहुत ही अच्छी डिलीवरीज तुम्हारे को देखने को मिली है, 25% के आसपास डिलीवरीज, जो गुड है। मतलब कि बेशक सेंटीमेंट्स पे भागा था, फिर भी मार्केट इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ले रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई है, तो ये डेफिनेटली एक बारी गूगल से इसके बारे में डेफिनेटली बात करने वाले हैं इसको पूरा क्लैरिफाई करने के लिए। तब तक इस स्टॉक में हमारे को एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अगर इसके वन डे चार्ट पे, जो हमने टारगेट्स की बात की थी लगभग इसके 200 डेज के ईएमएस के पास, ये इसमें हमारे को अचीव हुआ था जो हमने कल किए थे। वहीं अभी स्टॉक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ही बोलूँगा मैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, जहाँ 50, 100 और 20 डेज के ईएमएस के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर वनडे के चार्ट, सॉरी 5 मिनट के चार्ट में देखें, तो सुबह इसने अपर सर्किट मारा था, फिर एक वैल्यू पे कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा था। तो यहाँ जब हमारे लगभग 2:10 थे, यहाँ पे ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, उसके बाद हमारे को इसमें सडन ड्रॉप देखने को मिला। और ये ड्रॉप हमारे को जब देखने को मिला, पर एंड के अगर हम सेशन की बात करें, लास्ट के लगभग अगर आप देखोगे 45 मिनट्स, तो 45 में कंसिस्टेंट एक ही लेवल पे है। अगर मार्केट इसको पूरा नेगेटिव ले लेता, भैया ये तो सेंटीमेंट्स पे भागा है, तो हो सकता था कि ये 5.75 रुपये तक चल जाता जहां से ये ओपन हुआ, पर इसमें इतनी गिरावट नहीं आई। लोगों ने फिर भी इसमें डिलीवरीज देखी, क्यों इसमें डिलीवरीज हमारे को देखने को मिली। और ये एक मतलब कि ये जो 6 रुपए की रेंज है, 6.50 रुपए की रेंज है, इस पर ही क्यों बंद हुआ, क्योंकि टेलीकॉम एक एक्सप्लोरिंग बिजनेस है इंडिया में, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटलाइजेशन वाले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टेलीकॉम का इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए इसमें हमारे को ये प्राइस यहाँ कंसोलिडेट होते हुए दिखा। वहीं वनडे के चार्ट में देखेंगे हम, बॉलिंजर बैंड के अभी भी अपर बैंड में है, जो 6.60 रुपए पे ये बंद हुआ है। ये दिखा रहा है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमारे को आगे भी देखने को मिल सकती है। वहीं वनडे के चार्ट में अगर देखें, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इससे निकल जाऊं तो क्या करूं, तो लगभग आप 5.90 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसके ऊपर आप इसको देख सकते हो कि कितना मूव करेगा। अगर इसके ऊपर मूव करता तो अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि नीचे आ रहा और टाइम पे आप निकलना चाहते हो, कि आप नहीं चाहते हैं नीचे चल जाए, तो 5.90 रुपए आप इसमें एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हो। वहीं अगर वनडे के चार्ट पे देखेंगे RSI को, तो RSI लगभग 78 के आसपास पहुंच चुका है, मतलब ओवरबॉट पोजीशन पे भी कहीं ना कहीं स्टॉक दिख रहा है। और वहीं MACD की बात करेंगे, तो MACD में फुल लॉन्ग तेज़ी हमारे को इसमें दिख रही है। तो दोस्तों ये था इसका टोटल इन्फॉर्मेशन, कि आपको हमेशा याद रखना है कि 590 पे हमारा स्टॉप लॉस अगर हम इसमें है बने हुए हैं, तो हमारे को इतना देखा। फ्रेश बाइंग के भी मैं कोई राय नहीं दूंगा कि आप फ्रेश बाइंग करो इन लेवल्स पे, फ्रेश बाइंग हम इस पर बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं अभी ये बात टोटल ख़त्म नहीं हुई है, अभी डेफिनेटली इसमें और न्यूज़ आनी बाकी है, जहां वोडाफोन अगर खुद से बात करेगा गूगल से कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं, तो अगर डील हो जाए तो मच बेटर अपॉर्चुनिटी है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए, कि हमारे को फिर से ऐसे जंप इस शेयर में लगते हुए दिखेंगे। अगर ये डील हो गई, तो लगभग हमारे को स्टॉक को 35-50 जाने से विद इन टाइम भी नहीं लगेगा, और हमारे को इतना तेज़ी मिलेगी शेयर में कि हम इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। जैसे आज भाग रहा था ना, लग रहा था भाई अपर सर्किट लग गया, अब नहीं मिलेगा, फिर अपर सर्किट लग गया, फिर नहीं मिलेगा। तो अभी गलती नहीं करनी है टॉप बाइंग पे लेने को, पहले इस न्यूज़ का क्लैरिफिकेशन को वेट करना है, उसके बाद हम इसमें डेफिनेटली फ्रेश बाइंग करेंगे। पर अभी अगर आपको लगता है कि आपको इसमें एज ए सेफ रहना है, तो 5.90 रुपए आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो लगा हो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, आपके एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए ऐसे कंटेंट लाने के लिए। साथ में आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर जिस स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए, लॉकडाउन में घर में रहिए, लॉकडाउन 4 का पालन कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।